हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत वर्तमान अध्याय 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव भाग 2। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं शासन प्रबंध। जब भारत में अंग्रेजी शासन अस्थायी स्वरूप ग्रहण करने लगे तब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए देश में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली। उस समय प्रशासनिक इकाइयों के कार्यालय शहरों में अवस्थित होते थे। आइए हम भागलपुर के शासन प्रबंध के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा एक जिले में स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानें। 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर कहलाता था। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड था। कलेक्टर की सहायता के लिए जिले के सदर दफ्तर में डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर होते थे। 1936 ईस्वी तक यह जिला 4 सब डिवीजनों भागलपुर सदर, बांका, मधेपुरा, सुपौल में बंटा हुआ था। सब डिवीजन का सबसे बड़ा अफसर सब डिवीजनल अफसर अथवा एसडीओ कहलाता था। जिले में न्याय विभाग का सबसे बड़ा अफसर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहलाता था। दीवानी मुकदमों इनकी सहायता के लिए सबऑर्डिनेट जज और मुंसिफ होते थे। फौजदारी मुकदमे में जिला मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी एवं सब डिप्टी मजिस्ट्रेट इनकी सहायता करते थे। जिले में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अफसर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अथवा एसपी कहलाता था। उसके नीचे असिस्टेंट एवं डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहते थे। पुलिस के काम के लिए जिले को 25 भागों में बांटा गया था। वह भाग थाना कहलाता था। स्वतंत्रता के समय तक भागलपुर शहर के अंदर 3 थाने थे, भागलपुर शहर, भागलपुर मुफस्सिल और नाथनगर। थाने का बड़ा अफसर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होता था जिसे दरोगा भी कहा जाता था। आइए अब देखते हैं नगर पालिका। 10 वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत भागलपुर शहर के नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। जनसाधारण द्वारा निर्वाचित एवं सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा इसका प्रबंधन होता था। नगर पालिका में 22 सदस्य होते थे जिनमें 7 सदस्य मनोनीत और 14 निर्वाचित होते थे। अपने सीमा क्षेत्र में शहर की सफाई, सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य की जवाबदेही नगर पालिका के जिम्मे था। शहर में पीने के पानी के अभाव को दूर करने के लिए भागलपुर नगर पालिका द्वारा 1887 ईस्वी में एक जलागार का निर्माण किया गया। 1896 ईस्वी से 1897 ईस्वी में इसका विस्तार चंपानगर एवं नाथनगर की ओर किया गया। जलागार को बड़ा बनाने के लिए सरकार ने नगर पालिका को 3 लाख रुपए कर्ज दिए थे। 1936 से 37 ईस्वी में नगर पालिका की कुल सालाना आय 4.5 लाख रुपए थी। भागलपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत शहर की कुल आबादी 1872 ईस्वी में 65,377 थी जो 1931 ईस्वी में 83,847 हो गई। आइए अब देखते हैं शैक्षणिक विरासत। भागलपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। विभिन्न कालखंडों से गुजरते हुए भागलपुर ने अपनी शैक्षणिक पहचान को कायम रखा। प्राचीन काल में अंतिचक जो कि भागलपुर के नज़दीक का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तो मध्यकाल में मौलानाचक का खानका सहबाजिया हुआ करता था। ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी शिक्षा और उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार में यहाँ के जमींदार, बंगाली, मारवाड़ी, ईसाई समुदाय के अहम भूमिका रही है। इनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान आज भी यहाँ की शैक्षणिक विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। सरकारी स्तर पर 1837 ईस्वी में जिला स्कूल शुरू किया गया। मारवाड़ी कन्या पाठशाला, बाल संबोधनी स्कूल मारवाड़ियों की देन थी। चर्च मिशनरी सोसाइटी CMS द्वारा आदमपुर में प्राथमिक एवं हाई स्कूल जो कि 1854 में खुला था एवं चंपानगर में अल्पसंख्यक मध्य विद्यालय का संचालन किया जाता था। माणिक सरकार स्थित दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल जो कि 1860 ईस्वी में स्थापित किया गया व हाई स्कूल 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया। बंगाली समुदाय के योगदान की दास्तान सुना रहे हैं। इसे दुर्गाचरण प्राइमरी स्कूल में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद चट्टोपाध्याय ने आरंभिक शिक्षा हासिल की थी। शहर के स्थानीय जमींदार तेज नारायण सिंह ने 1883 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेज जेट हाई स्कूल तथा 1887 ईस्वी में तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की थी। दोनों ही संस्थान नया बाजार मोहल्ले में चला करते थे।
बाद में बनेली स्टेट द्वारा दान स्वरूप भूमि एवं धन दिए जाने के बाद इन संस्थानों के नाम के साथ बनेली शब्द जुड़ गया। आज भी शहर में शिक्षा के क्षेत्र में इसकी पहचान है। वाणिज्य शिक्षा की मांग को देखते हुए शहर के मारवाड़ी समुदाय द्वारा 1941 में मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना की गई। भागलपुर में महिला शिक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। श्री अरविंद घोष के पिता श्री कृष्णाधन घोष ने मोक्षदा बालिका विद्यालय की स्थापना 1868 में की। 1868 में ही जनाना मिशन स्कूल भी खोला गया। महिला उच्च शिक्षा के लिए मोक्षदा बालिका विद्यालय परिसर में 15 अगस्त 1949 ईस्वी को महिला महाविद्यालय की बुनियादी डाली गई। बाद में बरारी के जमींदार नरेश मोहन ठाकुर ने दान में खंजरपुर मोहल्ले में इस महाविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराई, इसलिए उनकी मां के नाम पर इस महाविद्यालय का नामकरण सुंदरवती महिला महाविद्यालय हुआ। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 1910 ईस्वी में सबौर स्थित बिहार कृषि कॉलेज की नींव तत्कालीन गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर ने रखी थी। इस कॉलेज की गिनती एशिया के महत्वपूर्ण कॉलेज में हुआ करती थी। इससे कृषि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए। रोजगार परक शिक्षा के लिए 1947-51 में सिल्क इंस्टीट्यूट नाथनगर में शुरू किया गया। यहाँ शिक्षा के प्रसार में पुस्तकालयों का अहम योगदान था। सबौर स्थित बिहार कृषि कॉलेज, तेज नारायण बनेली कॉलेज, भागलपुर कलेक्ट्रेट, भगवान पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय, बांग्ला इंस्टीट्यूट में पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। आइए अब देखते हैं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। स्वतंत्रता पूर्व भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। इस परिदृश्य में भागलपुर की साहित्यिक व सांस्कृतिक यात्रा का विवरण अपने आप में दिलचस्प है। यदि हम भागलपुर के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में बात करें तो शहर में अनेक नामी गिरामी साहित्यकारों, सांस्कृतिक कर्मी, रंगकर्मी, शिल्पकारों, संगीतकारों एवं फोटोग्राफरों की जमघट लगता था। उस समय भागलपुर के साहित्य पर बांग्ला साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव था। शरदचंद चटर्जी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर भागलपुर प्रवास कर चुके थे, लेकिन उस समय जिस साहित्यकार ने यहाँ लंबे समय तक रहकर अपना लेखनी जारी रखा था वह थे बलाई चंद्र मुखर्जी। उन्हें लोग बनफूल के नाम से जानते हैं। भागलपुर के साहित्यकार व रंगकर्मी राधाकृष्ण सहाय ने उनकी कई रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। शरदचंद ने कालजयी उपन्यास, देवदास, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पथेर पंचाली का सृजन भागलपुर में रहकर ही किया। यह भी कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि के कुछ अंशों को भागलपुर में रचा था, जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस काल में भागलपुर में हिंदी साहित्य भी रचा जा रहा था। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई। शीघ्र ही यह उस समय में शहर की साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। हिंदी के जिन प्रमुख रचनाकारों ने भागलपुर का गौरव बढ़ाया वे हैं डॉक्टर शिवनंदन प्रसाद व्यंग में, डॉक्टर शिवशंकर वर्मा कथा लेखन में और जनार्दन प्रसाद झा द्विज आदि। भागलपुर का रंगमंचीय नाटक इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए शरदचंद ने स्वयं कई नाटक लिखे थे और उन्हें मंचित किया गया था, पर वे नाटक भी आधुनिक रंगमंच के करीब नहीं थे। यहाँ सिर्फ थिएटर या यात्रा अथवा नाटक की परंपरा के अंतर्गत बंगाली समाज प्रमुख भूमिका निभाता था। अर्द्वेंदु बाबू नाम के एक व्यक्ति प्रत्येक साल कोलकाता से भागलपुर आकर यात्रा का प्रदर्शन करते थे। उसी क्रम में एक बार पृथ्वी थिएटर भी भागलपुर आया था और उसने कई नाटक मंचित किए थे। वैसे शहर की परंपरा का पहला नाटक हरिकुंज लिखित बाबरी मीरा था, जिसे हरिकुंज ने खुद निर्देशित किया था, लेकिन रंगमंची आंदोलन के रूप में जिसने भागलपुर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था वह संस्था थी अभिनय भारती। आइए अब देखते हैं हरिकुंज भागलपुर शहर के सांस्कृतिक कर्मी। 1938 में हरिकुंज ने भागलपुर शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चरण संस्थाओं की नींव डालने में विशेष भूमिका निभाई। यह संस्थाएं हैं हिंदी यात्रा पार्टी, श्री गौरांग संकीर्तन समिति, बागेश्वरी संगीतालय व चित्रशाला। चित्रशाला में उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकारों, रंगकर्मियों, शिल्पकारों, नृत्यकारों, संगीतकारों, फोटोग्राफरों का जमघट लगता था। इस जमघट के कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु,
राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, साहित्यकार डॉक्टर बेचन, लघु कथाकार बनफूल, भारत रत्न बिस्मिल्ला खां, नृत्यांगना सितारा देवी, सिने अभिनेता अशोक कुमार जैसी हस्तियां शामिल होती थीं। आइए अब देखते हैं धार्मिक स्थल। भागलपुर शहर में गंगा नदी के दक्षिण तट पर बूढ़ानाथ मोहल्ला में बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध उपासना स्थल है। इस मंदिर का निर्माण शंकरपुर के जमींदार लक्ष्मी नारायण सिंह ने करवाया था। बाबू मोहन शाह एवं बाबू रामकृष्ण भगत ने मंदिर परिसर में दो धर्मशालाएं बनवाई थी, जहां यात्रियों को ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी। यहां चैत्र एवं अश्विन नवरात्र में विशेष उत्सव होता है, जिसमें हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते थे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य की जन्मभूमि होने के कारण भागलपुर शहर जैनियों की पवित्र भूमि मानी जाती है। शहर के नाथनगर मोहल्ला में दिगंबर जैन मंदिर एवं चंपानगर में श्वेतांबर जैन मंदिर जैनियों की पूज्य स्थल है। हराबव राज्य के जमींदार धनपत सिंह ने तीर्थयात्रियों को ठहरने की सुविधा का ख्याल रखते हुए श्वेतांबर धर्मशाला का निर्माण करके बड़ी उदारता का परिचय दिया था। मारवाड़ी मोहल्ला में जैनियों के अनेक मंदिर हैं। सिख संप्रदाय का उपासना स्थल नया बाजार एवं खलीफाबाग मोहल्ला भी में स्थित है। ईसाइयों ने 1845 ईस्वी में घंटाघर के निकट तथा 1854 ईस्वी में कर्णगर में गिरजाघर का निर्माण किया था। आइए अब देखते हैं सार्वजनिक भवन। यदि आप भागलपुर की इमारतों पर एक नज़र डालें तो उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 19वीं सदी से पहले निर्मित किले, महल, मंदिर, मस्जिद, मकबरा तथा 19वीं एवं 20वीं सदी में निर्मित सरकारी दफ्तर, टाउन हॉल, सार्वजनिक अस्पताल, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, चर्च, क्लब, स्कूल, कॉलेज आदि। ये भवन लोगों की रुचि के साथ साथ शासकों एवं स्थानीय जमींदारों की पसंद और इच्छाओं को दर्शाते हैं। इन विशाल इमारतों का निर्माण पहली बार इस्तेमाल में लगाए गए लोहे और सीमेंट के कारण संभव हो पाया। पहले की इमारतें बिल्कुल सादी होती थी। बाद में अंग्रेजों ने हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य के मिश्रण से कुछ खूबसूरत भवन बनवाए। उन्होंने कुछ प्राचीन भवनों के नकल करने पर भी विचार किया। यदि आप ऐसी कुछ पुरानी इमारतों को ध्यान से देखें तो उनमें यूरोपीय और भारतीय स्थापत्य का बड़ा ही रोचक तालमेल नजर आएगा। भवन निर्माण कला के कुछ रोचक शैलियों का अध्ययन हम इकाई 11 में भी करेंगे। आइए हम भागलपुर शहर की सैर करते हुए भवनों एवं इमारतों का अवलोकन करते हैं। भागलपुर शहर का हृदय स्थल और भारत के पुराने रेलवे स्टेशन में एक भागलपुर रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य व्यापारिक स्थान है। यहाँ ERR अथवा ईस्ट इंडियन रेलवे एवं BNWR बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन हैं। इसकी शुरुआत 1862 ईस्वी में हुई थी। इसके कारण आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। व्यापारी अपने कारोबार के लिए, श्रद्धालु तीर्थयात्रा के लिए, अधिकारी अपने काम के लिए और अन्य लोग रोजगार की तलाश में यात्रा करते थे। लोग यातायात के लिए इस नए साधनों का लाभान्वित थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी के किनारे स्थित क्लीवलैंड हाउस की गणना विशाल एवं सुंदर इमारतों में की जाती है। इसका निर्माण भागलपुर के पहले जिला कलेक्टर क्लीवलैंड द्वारा 1780 से 1783 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। इटालियन शैली में निर्मित यह इमारत एक ऊंचे टीले पर बना है। पहले यहां शहर के स्थानीय जमींदार महासे वंश के परेश नाथ घोष का निवास स्थान था। क्लीवलैंड ने महासे परिवार को चौकीरी नियामतपुर में 84 बीघा जमीन देकर इसे अपने अधीन कर लिया और अपना निवास स्थान बनाया। बाद में यह विशाल भवन टैगोर परिवार के यहाँ चले गई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अपना अध्ययन स्थल बनाया और गीतांजलि के कुछ अंश यहाँ लिखे। बाद में उन्हीं के नाम पर इस इमारत को रविंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में रविंद्र भवन में तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र अपनी कक्षाएं आयोजित करता है। 19वीं सदी के आरंभ में समय देखने का यूरोपीय तरीका अंग्रेजी शासन के भारत में भी लागू किया गया। अब काम करने का यूरोपीय काल अवधि जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भारत में भी अपना लिया गया था। लोग देर से आने के कोई बहाना नहीं बना सके, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर घंटाघर बनाए गए। इसमें चारों तरफ डायल होते थे ताकि लोग दूर से और किसी भी दिशा से घड़ी को देख सके। यही नहीं, लोगों को समय की जानकारी देने के लिए इन घंटाघरों से निश्चित समय के बाद घंटे की आभास भी होती थी। भागलपुर शहर का घंटाघर चौक एक उदाहरण था। भागलपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर उत्तर लाजपत पार्क के निकट स्थित टाउन हॉल 20वीं सदी के आरंभ में निर्मित भवन है, जहां सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया जाता था।
भागलपुर कचहरी परिसर के निकट स्वामी विवेकानंद पथ पर स्थित सेंटिस कंपाउंड मैदान एक सार्वजनिक पार्क था। इसका नामकरण बनेली स्टेट के मैनेजर टी सेंटिस के नाम पर पड़ा। इस कंपाउंड के भीतर अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारियों ने मनोरंजन एवं मौज मस्ती के लिए स्टेशन क्लब का निर्माण किया। यहाँ जो बाई तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं नीचे में, वह स्टेशन क्लब सेंटिस कंपाउंड का चित्र है। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, भागलपुर नगरपालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र नाथनगर और चंपानगर था। तीसरा, भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख सांस्कृतिक कर्मी शरद चंद्र चटर्जी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चौथा, रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु था। पाँचवा, कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। छठा, निम्नलिखित के जोड़े बनाए, प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, रेलवे शहर बरेली, जमालपुर, औद्योगिक शहर कानपुर, जमशेदपुर। सातवां, 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई। आठवां, आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे शहर मुगल प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। नौवां, मध्यकाल में मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम मंदिर शहर के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगे हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।